लड़कों की जुबान ऐसी, लड़कों की सेम लड़कियों की भी। लड़के ही बड़ी होते हैं, कुछ मीस नहीं होती जो सामने नहीं बोल दिया। हम हॉस्टल में रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मौज। मानी से खट्टा हो गया अरफा का दिन। मुंडे ने जनानी नहीं बनाना है, मुंडे मर्द सोने लग गए। मेरी जो पेंटिंग थी बहुत प्यारी रेडी हो चुकी है। वेलकम बैक टू परिमिति चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। परिमिति का था ऊंची बोलने यार, मैं ऊंची बोला तो है इधर दो मैं अभी भी इतना ऊंची नहीं ना बोला। चलो वेलकम बैक टू परिमिति चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और नया व्लॉग आया उन्हीं कपड़ों के साथ। अच्छा खैर, अभी हम लोग सो के उठ चुके हैं, बस अब नाश्ते का वेट ही कर रहे हैं। और टाइम कितना हुआ है, 4:15 हो गए हैं, नाश्ते का वेट कर रहे हैं। मिट्टी कॉलेज नहीं गई ऐसी मन हूँ सर, मेरी भी नींद खराब थी और खुद की मुझे सुबह उठा के कह रही है परी बहन मैंने अंकल को मना कर दिया मैंने नहीं आज जाना। तो बहाना कैसे करें, मैं पेट में बड़ी दर्द हो रही है, बस वही यूनिवर्सिटी के लिए उठी है। मैं कहती हूँ वही बचपन में हम लोग करते नहीं थे। खैर अब आज के दिन में जो जो होगा दिखाती रहूंगी। और अभी अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा यार, इतना गंदा मौसम आया हुआ, इतना गंदा मौसम आया हुआ, मिट्टी तुम ऐसा भी हो रहा है। एक तो मेरा तो नजला हुआ हुआ है, एक सो के उठो ना गले में इतनी दर्द होती है, बोला भी नहीं जाता ना ही थूक गुजारी जा रही है। ये होता है कि तुम ना कंबल अपने मुंह पर नहीं लेके सोती, वो ठंडी हवा नाक से मिल जाती, नाक साफ होता है। तो मेरे साथ वहाँ कैमरा कर दिया है, मेरे साथ आजकल ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा नाक बंद है, प्रॉपर ब्लॉक के जुआ हुआ है। मेरा भी जब सो के उठो बंद होता है, फिर वॉशरूम में जाके यूं हंगारा मारा नाक खुल जाता। अब मेरा नाक खुला हो गया, अभी इतना अच्छा फील होता है ना नाक साफ करने के बाद, आपको लगता है वाह यार वाह। तो दूसरा ना गला भी इतना ज्यादा खराब हुआ है, इस वजह से मैं रोज रात ना गर्म दूध पीती हूँ कि शायद गला ठीक हो जाए, गला ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा। इसीलिए मेरी आवाज़ एक तो पहले तो थी ही मर्दों वाली, अब मजीद हो गई है, भारी आवाज हो गई है। इस बात ना कल सोच रही थी कि मैंने कहा हम चाहे जितना मर्जी इंशाल्लाह 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 फेमस हो जाए व्लॉग में, पर हमने अपने में वो बर्गरपन नहीं हटना। सो गाइस वी आर हियर, अभी भी कोई बर्गरपन तो है नहीं है मेरे में, तो बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश बोलना एक अच्छी बात है, वो हम बोल लिया। नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती, नहीं आती, मैं सच बताऊँ आप लोगों को, मेरी 2 मिनट मैं ना इंग्लिश बोलते बोलते हकला जाती हूँ, मेरे से कुछ बोला ही नहीं जाता, बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं। पड़ी ना लड़ाई में, लेकिन ना लड़ाई में मेरे मुंह से निकलती है, मैं ना इतनी ऊंची बात से बोलती, फिर ना कॉलेज वगैरह मेरे मुंह से वही निकल पड़ी। और अगर मेरे साथ लड़ो तो मेरे मुंह से ठेठ पंजाबी नहीं होती जो पिंड के गाँव के लोग बोलते हैं, वो निकलती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि होता है कि लड़कियां इस तरह की नहीं होती। हाँ बड़ी हम लोग करते, मुझे ना ऐसे ही ना कमेंट आया था कि ना पहली दफा मैंने देखा कि ये लड़कियां भी लड़कों की तरह की जुबान यूज करती है। सच बताना चाहती हूँ, यानी हम कहते हैं ना लड़कों की जुबान ऐसी, लड़कों की सेम, लड़कियों की भी सेम ए टू जेड होती है, सेम सेम। हाँ, हम सबकी मतलब लड़कों को ज्यादा बदनाम किया होता, लेकिन लड़के बड़ी होती है, कुछ मीस नहीं होती जो सामने नहीं बोल दी है। खैर आज के दिन में जो जो होगा, हाँ जो जो होगा मैं आपको सारा कुछ दिखाती रहूंगी। मामा ने परीक्षा फर्क किया गाइस, शीशे का बारू मुझे दे गई और प्लास्टिक का परी को मेरे, पहले ही मैंने इसलिए पकड़ा के ट्रे। अच्छा हमारा जो नाश्ता आज, हमने सोचा कि हम बाकर खाने का नाश्ता कर ले। वैसे तो मैं भी शायद मैं भी बहुत टाइम बाद, वैसे जो है ना मैं वो नहीं खाती पीती, चाय नहीं पीती, लेकिन इस दफा मेरे को चलो बाकर खाने का जो नाश्ता कर लूँ, वरना मम्मा ने मुझे वही रात वाला साग ही खिलाना था। तुम भी रात वाला साग खा लेती, मिट्टी साग बहुत वो होता है, बड़ी अच्छा होता है। कभी कभी मेरा बहुत दिल करता है खाऊं, कभी कभी मेरा देखने को भी दिल नहीं करता। मैंने तो रात को चोपड़ी भी देसी घी के साथ रोटी, ऊपर साग के ऊपर स्पेशल देसी घी डाला, बहुत मजे का था। खैर अब जल्दी से हम ये अपना डिलीशियस सा नाश्ता कर लें। अरफा मेरा व्लॉग देख रही थी जो मैंने अभी अपलोड की है। हाँ बोलो अरफा बोलो। इसमें कोई बात नहीं, मेरी इसको कल जो हाँ गेट भी आ रहा है ना, फिर करी जाए मैंने कहा बाहर ले जाओ। हाँ खुद बुरी बनती हो, हम भी तो बुरी आते, मैंने मिट्टी ने कभी नहीं फील कराया। हाँ वो गेट वाला भी दोबारा डाला, पापा ने कहा था डाला फिर भी डाल दी। और फिर इतना कोई बुरा तो नहीं है, इसमें क्या होगी सर तो मेरे, एक मिनट मेरे जो यूं करने वाला क्लिप था, कितने गंदे से गंदे क्लिप में अपने डाल देती है। मिट्टी मुझे ये कपल दिखा रही है, माशाल्लाह इतना प्यारा कपल है, बहुत प्यारा। अच्छा, ये अभी हाँ आज पता क्या हम लोग बनाओ, क्या अपने सब्सक्राइबर्स को चीज दिखाती हो ना। हाँ प्लीज
प्लीज आज का व्लॉग अपना कमरा साफ किया तो मैं दिखा दूं, तो मैं दिखा दूं। हम हॉस्टल में रहते हैं, सबकी अपनी अपनी वॉच। आज व्लॉग का कंटेंट अपना रूम साफ किया। चलो उठो, चलो शाबाश, चलो उठो, एक मिनट कमरा साफ किया करना। सारा कमरा साफ है। लोग ये जो अपनी पूरी बेडशीट पूरा आज ये बिल्कुल साफ है। ये यहाँ से चीज उठाओ, ये यहाँ से उठाओ, बस कमरा साफ। तो नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता। कमेंट्स लगाए इतनी प्यारी क्यों है आप। माशाल्लाह माशाल्लाह मिठी। उठो उठो, चलो आप भी उठो। पता है एक सच्ची में कमेंट भी आया, कहता लगता तुम सारे हॉस्टल में रहते हो, इसी तरह लगता है। हाँ मिठी, नीचे सोती हूँ। बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ है ये कमरा, नजर आ रहा है। तो वो तुम्हारा बैग है, तुम्हारा बैग है, वो सिल्वर बैग किसका है, ये शॉपर किसके, ये किसके कपड़े पड़े हुए हैं। हाँ भरी गई है। कौन से वाले सीन में? एक मिनट, जो ये लाइमलाइट पे गए थे, इसने व्लॉग में कहा अल्फा की बेसिक बेसिक कौन सी हुई मेरा। जब तुमने जूता पहन लिया, टैग वाला, आप ऋषि से खोल गई और टूट टूट टूट। एक मिनट, फिर उसके बाद हमने लाइमलाइट से ट्राउजर लिया, ट्राउजर लेकर हम लोग वन की शॉप पे गए, वहां भी टूट टूट टूट। उन्होंने कहा मैम, उन्होंने कहा मैम इधर आई, इधर आई शॉपर से। कमेंट्स बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। अब मैंने कहा है मैं व्लॉग में ही सबके कमेंट्स का जो रिप्लाई भी करूंगी। अच्छा एक ने कहा है, दो मिनट, एक ने कहा है 2000 व्यू होना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह 2000 व्यूज हर व्लॉग पे, ठीक है, क्यों नहीं बनाऊंगी। अच्छा दो मिनट, एक ने कमेंट किया है मिट्टी एज ऑलवेज फनी, शी नेवर डिसअपॉइंट, ठीक है। एक ने कहा आप ही बहुत अच्छा व्लॉग था, मजा आ गया, आज तक का सबसे स्पेशल अच्छा व्लॉग, नीड मोर फनी व्लॉग्स, ओके। अच्छा प्यारे लोग एक स्क्रीन में इस बने का है। कनूत ने कहा ओके, उसी लड़के ने नीचे कमेंट किया कमेंट में हमें व्लॉग के, ठीक है। एक ने कहा आप ही इतना गुस्सा इंस्टाग्राम पे, तो अल्लाह की बंदी बनी हुई होती है। सही बात है, कनून इंस्टा पे बाप बेटियां बाप से बहुत प्यार करती है। अच्छा एवी ने कहा है मिठी से सब लड़ते रहते, डांटते रहते, और हाँ करवा लें एयर पीसिंग मिठी की। मिठी अब तुम्हारी एयर पीसिंग क्या है, सब मेरे से बोल लेते हैं। यार गाइस थैंक यू जो लोग मुझे कमेंट करते हैं। अब मिट्टी की एयर पीसिंग होगी इंशाल्लाह। अभी हम एक बच्चे का जिक्र कर रहे थे और ये बच्चा सामने से एकदम आ गया है। अभी ईसा मैं आपकी बातें कर रही थी, रोजी आंटी अभी आके आपकी बातें बता रही थी। अपनी जान के साथ को दुल्ला भाई के साथ आया, आके मिल तो ले ईसा, मिलना नहीं है, भूल गए, ऐसे मिलते हैं हम लोग, क्या ऊपर आना यार, हम तो हगी करके मिलते हैं। अब्दुल्ला भाई सबर कर जो, बिस्मिल्लाह ध्यान से जोर से हगी कर ले, ये मेरा बेटा, आ चल इधर होके बैठ जो, आगे हो जाओ आगे आगे। ये मिठी आप की तबीयत खराब हो गई है, वो मरने वाली हुई भी है, ये देख। तो मैंने आपका व्लॉग देखा था, देखा था लड़ रहे थे, बहुत ज्यादा लड़ रहे थे हम, मिठी आप से मिल ले, ये इतना प्यारा बच्चा है हमारा। इधर आ मैं तुझे मानी के टाइप का न्यू कवर दिखाऊं, आ जा मेरे साथ, देखिए चार्जिंग से उतार दी, देख कितना प्यारा है। हाँ। वाह क्यों नहीं चलता है? क्या इसको हम यहाँ से यूं खोलेंगे, वाह हो गया, चुप मई खेल दिया, अभी रुक जा, अभी उसको चार्ज हो गया, 100 हो गया, अभी मानी को दे आओ, मानी को आपका टैब 100 हो गया, जी जी फ्री, अच्छा फ्री फायर में उसके बहुत ज्यादा दुश्मन है। अरफा का जो दिल है खट्टा हो गया, मानी से खट्टा हो गया अरफा का दिल। हाँ क्योंकि मानी जो है ना वो इतना बदतमीज, इस व्लॉग में भी आप लोग ने नोट किया होगा, मानी की वो तमीज नहीं रही। सही बात है, सोते वक्त मानी को बताऊंगी, अभी ये बहुत बनेगा सोते वक्त एंड पे मेरे पास ही आएगा, मजा आ गया। ये देखो यही बाप का, देखो हाँ
आप बदतमीजी करते जाओ, आपको बुला रहा है। मैं एकदम ना वीडियो एडिट करी थी, मुझे याद आया जितने दिख होती होती आंख लगती है। मानी जाए बर्फापी के पास आके सो। आज मेरी फेवरेट डिश बनी है घर में, आलू गोश और मटर वाले चावल। और देखिए मैं कितनी सुगर हूँ, सलाद मैंने खुद बनाया साथ। अस्तगफुरल्लाह, झूठ बोल रही है, इसने कोई सलाद का टुकड़ा नहीं। सच बताओ? हाँ सच्ची, नहीं इसने बनाया, ये प्लेट भी तो दिखाती व्लॉग में। खाना आज हमारे घर का जो खाना था, ईसा की पसंद का फेवरेट खाना बना हुआ था। कौन सा खाना ईसा? मेरा भी फेवरेट खाना है, बताओ। ईसा बताएगा अपनी जुबान में, ईसा कौन सा फेवरेट खाना? शोरबा और चावल। इतना प्यारा सा बच्चा है हमारे घर का। ये देख ले हमारे घर आज कौन कौन आए हैं, सारे आ गए हैं। व्लॉग करें, मुझे लड़कियों वाला मेकअप करो। नहीं जनानियों ने काम नहीं करने, मुंडिया ने जनानी नहीं बनाना है, मुंडे मर्द सोने लग गए। मेरा बेटा आप सबको अली पे सुनाएगा। अली पे सुना, सॉरी अली पे सुना, सॉरी अली पे। एक मिनट खाना खा रही हूँ। मैंने अपना प्लेट खाने की इतनी प्यारी सजावट लेके आ गई हूँ, अब हम खाना खाते जल्दी से। और उससे पहले जो है मैं बोर हो रही थी, फोन चार्ज था तो मैं जल्दी हो गई। अच्छा मैं ये अच्छा बना, मैंने ये पेंटिंग स्टार्ट की थी थोड़ी सी बनाने के लिए, बैकग्राउंड बना लिया, बैकग्राउंड मैंने इसका बना लिया। तो अब इसके ऊपर हम प्यारा से लिखेंगे, पहले हम खाना खा लेंगे उसके बाद करते हैं। उसी तरह आप अपने टैब पे कुछ देख लो ना, तो लो कहाँ से मेरा टैबलेट, मुझे पकड़ाया था, लो मेरा टैबलेट। जाओ जाओ तुम दिला भाई कपड़े, जाओ सैनी लेके आओ। ईसा अपनी एफआपी का क्या है? जानू मेरा जानू मानू। ईसा को नींद आ रही है। ईसा, ओ वाह वाह, ये कौन आ गया? ईसा को नींद आ रही है, उसका दिल कर रहा है वो घर चला जाए, क्योंकि आज उसने बहुत ज्यादा देर में यहाँ रह गया। सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। उसे नींद आ रही है, उसने घर जाना, उसे बहुत देर हो गई है। सुबह 5 बजे वो उठा था, दाऊद कह रहा है अब्दुल्ला को छोड़ दे। ये सुबह 5 बजे उठा था, तब उठा था जब इसके आंखों पे पहाड़ बन गए थे। अभी भी रेड हो रही है, उसको नींद आ रही है। ईसा अपने घर जा रहा है और मैंने ईसा को बिल्कुल रेडी कर दिया है। इतना और इधर आओ खतीजा, और मैं ईसा को नीचे छोड़ने जा रहा हूं। चलो ठीक है, जाओ चलो। अल्लाह हाफिज़। मेरे से मिलता तो जा, हजीता कर दे। फिर कब आएगा? कल मैं वेट करूंगी आपका। ओके नींद आ गई है। ओके अल्लाह हाफिज़। मेरा इतना प्यारा सा बेटा जा रहा है। सुबह या शाम की लगी हुई थी जब पता है, जब खाना हम लोगों ने खाया, और अब 12 बज गए हैं। और शुक्र अल्लाह का मेरी जो पेंटिंग थी बहुत प्यारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, वाओ कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे कहीं पे केल नहीं लगा हुआ, मेरा दिल कर रहा है इसको हैंग चंद घंटों में मेरे बना दी है। मतलब आपको पता मैं कितनी ज्यादा लेजी हूँ, सोचता हूँ
पेंटिंग को कितना टाइम खींची जाती है, और ये मैंने चंद घंटों में ऐसे ही बैठे बैठे बना ली, कोई नहीं मूड था बनाऊंगी ये वो कुछ भी। अब हम अंदर चलते सबको अपनी पेंटिंग दिखाते हैं और रिव्यूज लेते हैं सबसे। पहले आप ही से, आप ही मैंने पेंटिंग बना ली है, तो बताओ प्यारी बनी है। अब मानी मैंने पेंटिंग अपनी बना ली है, तो अब आपने उसके रिव्यूज देने हैं, ठीक? देख लिया, चलो देखो। प्यारी है ना? नहीं माशाल्लाह, अब हम अंदर पापा और मम्मा को दिखाने चलते हैं, फिर रिव्यूज में मैं आपको दिखाऊं। कैमरा बंद करती हूँ। रस्ते में ही मुझे कनूत मिल गई थी, कनूत को भी हम पहले दिखाते हैं। कनूत ये मैंने ही किया पड़ी। हाँ सारा तुमने किया। नहीं किया मैंने, सारा तुमने, मैं कह रही हूँ। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह। बना चलते हैं माँ बापा के पास। सबको जो है पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है ये, ठीक है। और दूसरा अब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, भी थोड़ा ना गीला गीला लग रहा है मुझे। फिर उतनी देर तक हम ये जी देखो कितना मैंने गंद खिलाना है, उतनी देर तक सारा गंद साफ करते हैं और फिर इसके ऊपर वार्निश करते हैं और फिर इसको हम ड्राइंग रूम में हैंग करेंगे। अब यहाँ पे आ तो गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही किधर मैं लगाऊँ। ये कनौत ने बनाई थी, बहुत खूबसूरत है ये भी। वाह या का नाम बो भैया का नस्ता है। ये कनौते बनाई थी और इसको हम कहाँ लगाएं, कोई केल ही नहीं लगा हुआ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लग चुकी है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक यहाँ पे और एक वो वहाँ पे, बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पे लगी हुई। आज के मिशन में हम लोग हो गए हैं सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये अरफा ने क्या नाम है पेंट ना पहन के कल के लिए यूनिवर्सिटी के लिए कपड़े देंगी, तो मैं ना यहाँ पे बेडशीट झाड़ने लगी। ये मैं ना अरफा पीछे हो गई थी ना टेंथ के, ये बूटियां बना के लेके जाती थी ना, बहुत अच्छी बात। और गाइस को बताओ यार ईमानदार से, यहाँ पे मैंने अपना रबर बांधना, उसके अंदर बूटियां ये सारी रखनी और फिर जाके चिटिंग किया करनी, और किसी भी जगह पता भी नहीं लग रहा। मैं यही पे करने लगी अपने व्लॉग को एंड। उम्मीद है आपको आज का जो व्लॉग था छोटा सा पसंद आया होगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कोई बात जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। मम्मा कहती है इस सोफे तो कोई बदबू आ गया था, कोई कपड़ा ना मुके। जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अब मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह नए कपड़ों के साथ। तुम्हारे नए कपड़े मेरे नहीं, नए कपड़े मैं कल भी यही पहनूंगी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जितना हो सकता है, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो, ठीक है? फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में कल, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।